जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज तारीख 30 जुलाई 2024 मंगलवार की प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के यहाँ पे प्रश्न धुआंधार शानदार तरीके से करने वाले। तो सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ, एकदम एनर्जी और जोश के साथ। कहता है, महान करने कार्य करने का एकमात्र तरीका है जो आप करते हैं उससे प्यार करना। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। बिल्कुल सही और सच्ची बात यहाँ पर बताई गई है। प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा एक से लेकर के पांच तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न दे रखा है, गेंद का आकार कैसा होता है। ये तो बच्चों से भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। सही उत्तर है गोल। द राइट आंसर इज गोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है, पांच के बाद कौन सी संख्या आती है। क्या बात है सर, ये तो एकदम इजी सा प्रश्न है, लुल्ल प्रश्न है। सही उत्तर है छः। पांच के बाद क्या होगा, छः। छः के बाद सात, सात के बाद आठ। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है बच्चा, याद रखेंगे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है बच्चा, सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो छोटा राज्य याद रखेंगे, सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो आप बताइएगा गोवा। क्या बताइएगा, गोवा बताइएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। जोर से बोलिए, श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बताइएगा। अभी भारत के मुख्यमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्रीपति द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार। याद रखना है बच्चा ये सारी चीजें। तापमान जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो तापमान जांचने के लिए थर्मामीटर में। आपको बुखार लगता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जो भी मापने का यंत्र होता है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। अगला प्रश्न दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था। याद रखेंगे पाटलिपुत्र, पटना को प्राचीन में पाटलिपुत्र कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, 144 का वर्गमूल कितना होता है। सही उत्तर है 12। ठीक है, तीसरा प्रश्न, भारत गणराज्य में का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत रत्न पुरस्कार, ऐसे यहाँ पे एक और ऐसे पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा होता है। प्रकाश बल्ब का आविष्कार कौन था, तो प्रकाश बल्ब का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी सीख मिलती है बच्चा, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो बल्ब को बना रहे थे और उन्हें बल्ब बनाने के क्रम में 999 बार प्रयास किया। एक दो बार प्रयास नहीं किया, 999 बार प्रयास किया, तब 1000वें बार में बल्ब बन पाया था। कभी टंगस्टन कमज़ोर होता था, कभी कांच कमज़ोर होता था, कभी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी उस पर नहीं पहुंच पाती थी, कभी जाती थी बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता था। तो इस प्रकार उन्होंने 999 बार प्रयोग किया था, तब 1000वें बार में उन्होंने बल्ब बनाया था। तो सोचिए, हम तो एक दो बार फेल होने से हर जाते हैं, यदि हम दोनों एक दो बार फेल होने से हर जाएंगे तो फिर इस दुनिया को प्रकाश देने का जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप यदि किसी मार्ग को लेकर चल रहे हो, किसी लक्ष्य को चल रहे हो, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवी बार आप जरूर सफल होंगे। ये हमारी प्रकृति के अनुसार सभी चीज़ें यहाँ पर तय हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, 1 GB में कितने MB होते हैं। 1024 MB होते हैं। चलिए, ये तो था उच्च प्राथमिक स्तर का। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह राजस्थान में है जी। CAT का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एडमिशन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। जल का हिमांक बिंदु क्या है, हिमांक यानी जल बर्फ कितने डिग्री में बन जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, तो ये जम जाएगा। और यहाँ पे हिमांक के बाद आपको पूछे कि कितने
डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भाप में बन जाता है, तो यह 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो ये भाप बन जाएगा। भारत ने 2024 में किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो ये है नई दिल्ली। चलिए ये तो था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। अब है शानदार से प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भारत और सऊदी अरब में हाई लेवल मीटिंग, रिफाइनिंग में निवेश सहित कई मुद्दों पर डील पक्की हुई है, भारत सऊदी अरब मीटिंग है। राष्ट्रीय खबर है, पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण के लिए सुझाव मांगे, कहा हैंडलूम खरीदे। राज्य की खबर है, चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट 29 जुलाई 2024 को पेश किया गया, ठीक है। अभी मानसून सत्र संसद में चल रहा है। खेल जगत का समाचार है, मुक्केबाज निकाहित प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची, मनिका और पीवी सिंधु ने भी पार की पहली बाधा। आप सभी जानते हो पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला यहाँ पे मेडल मिल चुका है। मन्नु भाकर ने पहला मेडल जीता है, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना, निशानेबाजी में। शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी में है, यहाँ पे CET UG का रिजल्ट जारी। 2022 में AI के मामले में अमेरिका टॉप पर था, लेकिन अब चीन की टेक्नोलॉजी भी को अमेरिका भी अपना रहा। AI टेक्नोलॉजी में अमेरिका के नज़दीक पहुंच रहा है चीन। चलिए आज का यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती की भूमिका का जश्न मनाता है। वर्ड ऑफ द डे है एम्पैथी, यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर टू फीलिंग टू अनदर। सेंटेंस होगा, सो एम्पैथी टुवर्ड्स योर क्लासमेट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव क्लासरूम कम्युनिटी। आज का प्रेरक प्रसंग है, बहुत ही शानदार सा मोटिवेशनल स्टोरी है। एक प्यासी चींटी पानी की तलाश में थी, वह एक गहरे कुएं में गिर गई लेकिन बाहर नहीं चढ़ सकी। एक दयालु कबूतर ने चींटी की दुर्दशा देखी, उसने अपनी चोंच में एक पत्ता उठाया और कुएं में गिरा दिया। चींटी पट्टे पर चढ़ गई और बच गई। कुछ शिकारियों ने कबूतर को देखा और अपने तीर चलाए। चींटी ने यह देखकर शिकारी के एड़ी पर काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और अपना तीर छोड़ दिया। कबूतर सुरक्षित उड़ गया। सीख क्या मिलती है, एक अच्छा काम करने का बदला दूसरा अच्छा काम करना होता है। छात्र प्रतिज्ञा आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यह छात्र प्रतिज्ञा आपको डेली पढ़ाया जाता होगा स्कूल में। तो जय झारखंड, जय जोहार, ये था आज का मुख्य समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।